आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पलवल में आज एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल परिसर में एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जिले भर में काम कर रहे एमपीएचडब्ल्यू यानी मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर ने अपना समर्थन एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चे को देते हुए धरने में शामिल हुए। साझा मोर्चे के बैनर के तहत एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज से दूरी रखते हुए हड़ताल जारी रखी। हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान एमपीएचडब्ल्यू वर्कर यूनियन के जिला महासचिव मनोज दलाल ने एनएचएम कर्मचारियों को अपनी यूनियन की तरफ से समर्थन देते हुए कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी के नाम पर भेद करती है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाला हर एक कर्मचारी एक समान होना चाहिए, उनमें किसी तरह से भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। इस बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो पलवल एमपीएचडब्ल्यू यूनियन जिला महासचिव मनोज दलाल ने क्या कहा, सुनिए। आवाज बुलंद करते हुए हम आपका समर्थन करते हैं। एमपीएच एसोसिएशन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़ी रहेगी। साथियों, कुछ साथी कहते हैं कि भाई रेगुलर एम्प्लॉयज अलग हैं, हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेगुलर काम करते हैं उससे ज्यादा दिन हमारे साथी या लेने वाले काम करते हैं, और सरकार पगार देने के नाम पे कहती है कि 700 वेतन आयोग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब कर्मचारी समान काम कर रहा है तो उसको समान वेतन देने में क्या दिक्कत है? ये चीजें तो सरकार को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, पर लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें बनती आई हैं जो केवल एक आम आदमी का, एक आम कर्मचारी का हमेशा शोषण करती रही हैं। जब आपके पास बराबर क्वालिफिकेशन है, पूरी योग्यता है, फिर आपके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? हम इस बात को पहले भी उठाते आए हैं कि कच्चा पक्का कुछ नहीं होता। साथियों, जो प्रेजेंट पे सीट पे बैठा है उसकी वैल्यू है, उसकी नौकरी की वैल्यू है, वो कैसे बात है आज सीट पे देखिए। तो साथियों, बातें तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर मैं बहुत गहनता से इसको विचार विमर्श करूं, लेकिन अब मैं कुछ ही शब्दों के साथ, कुछ ही नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज वो दिन दूर नहीं जब आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आपने भी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं, हमने भी लड़ाई लड़ी है छोटी मोटी, पर आपकी लड़ाई इतिहास में एक कामयाब तारीख रही है, ये हमने देखा है, और भविष्य में भी आपकी लड़ाई बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाली है। मुझे इतनी उम्मीद है, सरकार भले ही किसी की हो लेकिन कर्मचारी वर्तमान सरकार से अपने हक की आवाज की बात करता है, अपनी बाजी और जायज मांगों के लिए लड़ता है, और मांगे हमेशा लड़ाई लड़ने से ही लागू होती है। साथियों, आपने सुना है, तो देखा है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, छोटे शिशु को जब वह भूखा होता है जब तक वह रोता नहीं है माँ भी उसे दूध पिलाने भूल जाती है, और जब वह रोने लगता है तो माँ को ध्यान आता है कि मेरा बच्चा भूखा है। तो साथियों, इस भूखी रही सरकार को आपके संघर्ष के द्वारा ही याद दिलाया जा सकता है। आपकी साझे मंच के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। अदरवाइज ये जो सरकार है ये मीठी मीठी बातें करती है, कभी मना नहीं करती है, लेकिन कुछ देने को राजी भी नहीं होती है। ऐसे तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।